हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लावर। हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर क्या है? तो फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, है ना। फ्लावर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गन होता है प्लांट का। इसी से प्लांट की खूबसूरती सामने नज़र आती है हमें। तो फ्लावर जो है उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्लावर के भी और कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर में सबसे पहले फिगर देखते हैं हम। यहाँ पे आपको फिगर में एक फ्लावर दिखाया गया है थोड़ा सा तोड़कर। तो यहाँ पे फ्लावर का सबसे पहला जो पार्ट है वो है पेडिसेल। पेडिसेल क्या होता है? ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये पूरा, इसे हम कहते हैं पेडिसेल। तो पेडिसेल में क्या क्या आएगा? ये जो पूरा नीचे का पार्ट है वो, और साथ ही जो ऊपर का ऐसा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा है हमारा पेडिसेल। अब जो पेडिसेल है उसमें नीचे की तरफ अगर हम देखें तो एकदम वो पतला सा पार्ट है। तो ये हो गया फ्लावर का सबसे बेस वाला पार्ट। और ऊपर का पोर्शन अगर हम देखें पेडिसेल का, तो ये जो है ये थोड़ा सा स्वलन है, थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, और इसको एक अलग से नाम है, वो है रिसेप्टेकल। ठीक है, तो पेडिसेल का जो ऊपर का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल। तो ये था पेडिसेल और रिसेप्टेकल। अब जो फ्लावर है उसके चार इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के चार इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पेडिसेल जो था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, हम मेन फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो मेन जो फ्लावर है उसके चार इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और वो कौन से? वो है ये चारों पार्ट, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोशियम। अब कैलेक्स क्या होता है? कैलेक्स जो होता है वो होता है ये वाला पार्ट, जो ग्रीन कलर की आपको छोटी छोटी सी लीव्स दिख रही हैं, उन्हें हम कहते हैं कैलेक्स। अभी हमने देखा कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो तो रिसेप्टेकल होता है, राइट। ये जो पूरा ग्रीन कलर का है इसे हम पेडिसेल कहते हैं, और जो ऊपर वाला ग्रीन कलर का है उसे हम रिसेप्टेकल कहते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसे कैलेक्स कहते हैं। तो रिसेप्टेकल हम इस पूरे वाले को कहते हैं, और कैलेक्स किसे कहते हैं? ये जो सिर्फ लीव्स है ना ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी सी, उन्हें हम कहते हैं कैलेक्स। तो कैलेक्स में क्या आती है? बेसिकली लीव्स आती हैं, और इन्हें लीव्स नहीं कहते। ये जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स होती हैं फ्लावर के नीचे दिखती हैं, उन्हें कहते हैं सेपल्स। तो कैलेक्स में क्या आता है? कैलेक्स में आते हैं ये ग्रीन कलर के सेपल्स, और इन्हीं को मिलाकर बनता है हमारा कैलेक्स। फिर आता है कोरोला। कोरोला क्या होता है? फ्लावर में जो भी आपको बड़ी बड़ी लीव्स दिखती हैं, लाइक इस फ्लावर की बात करें तो ये पूरी लीव्स हैं यहाँ पे पिंक कलर की, तो ये जो लीव्स हैं इन्हें कहा जाता है पेटल्स। फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनको मिला के बनता है कोरोला। तो सब पेटल्स को मिला के बनता है कोरोला। फिर आता है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या होता है? एंड्रोइशियम इज़ द मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। एंड्रोइशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब गाइनोइशियम देखते हैं, गाइनोइशियम क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब ये होते क्या है? तो अगर ये फ्लावर है, इस फिगर में आपको समझेगा, देखिए अगर ये फ्लावर है तो यहाँ पे आपको दो ऑर्गन्स दिखाई देंगे। हमने पेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया, तो पेटल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब हम फ्लावर के अंदर की तरफ चलते हैं। तो अंदर हमें क्या दिखेगा? आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा है ना ऐसा पार्ट, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है नीचे से थोड़ा सा स्वलन और ऊपर से इसके ऐसे बना हुआ है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं गाइनोइशियम। इसे हम क्या कहते हैं? गाइनोइशियम। और गाइनोइशियम क्या होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसकी मदद से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब गाइनोइशियम जो है ये इस पूरे को हम कहते हैं। गाइनोइशियम के भी तीन पार्ट्स होते हैं। गाइनोइशियम के कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्वलन, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और जो ये आपको डंडी जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टाइल। इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। बिल्कुल स्टाइल से खड़ा है ये, इसलिए हम स्टाइल कहते हैं। और जो नीचे वाला गोल सा पोर्शन है उसे हम कहते हैं ओवेरी। तो यहाँ पे गाइनोशियम जो है उसके तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनता है गाइनोशियम। और गाइनोशियम होता क्या है? तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर।
फिर हम देखते हैं एंड्रोइशियम, जो कि हमने पढ़ा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे इस गाइनोइशियम के पीछे आप देखिए येलो कलर के आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये जो येलो कलर के डॉट्स हैं ना, ये ही है हमारा एंड्रोइशियम। और ये होते कैसे हैं, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये ऊपर वाले सारे येलो कलर के डॉट्स हैं, मैं इनको यहाँ पे बना रही हूँ, तो ये ऐसे होते हैं। तो ये वाले जो पार्ट हैं इसे हम कहते हैं एंड्रोइशियम। अब एंड्रोइशियम भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये गोल वाला चीज़ और एक ये डंडी जैसा चीज़। तो यहाँ पे जो ये डंडी जैसा चीज़ है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, क्या कहते हैं, फिलामेंट। और जो गोल वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं एंथर, इसे हम कहते हैं एंथर। तो एंड्रोइशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोइशियम जो है वो दो चीज़ों को मिलकर बना है, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट, ठीक है। तो ये हमने फ्लावर का शॉर्ट में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल। सबसे पहले हमने पेडिसेल पढ़ा कि फ्लावर जो है उसमें एक बड़ा या छोटा स्टॉक फ्लावर को पकड़ते हैं नीचे से, है ना। तो वो जिससे हम पकड़ते हैं फ्लावर को उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसेल। वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटैच टू द स्टेम, अदर एंड ऑफ द पेडिसेल इज एक्सपांडेड एंड स्वलन। अब पेडिसेल का जो एक एंड है वो तो स्टेम से अटैच्ड होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में एक एंड जो है पेडिसेल का, यानी ये वाला एंड, ये किससे जुड़ा होगा, यहाँ पे स्टेम आ जाएगी, उससे जुड़ा हुआ होगा ये। और जो दूसरा एंड है पेडिसेल का वो होगा स्वलन पार्ट, थोड़ा सा फूला हुआ होगा। ये पूरा जो है ये पेडिसेल है, नीचे वाला पार्ट किससे अटैच होगा, स्टेम से अटैच होगा। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा होगा, स्वलन होगा, यानी कि थोड़ा सा फूला हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टेकल, और उसे ही हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल। जो ऊपर वाला पार्ट है पेडिसेल का उसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टेकल। अब ये जो रिसेप्टेकल है ना, इसी पर जो पेटल्स हैं, यानी कि ये वाले बड़े बड़े पत्ते फ्लावर के, और जो पूरा का पूरा फ्लावर है वो इसी रिसेप्टल के सहारे पर खड़ा होता है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कैलेक्स, कोरोला, गाइनोइशियम एंड एंड्रोइशियम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कैलेक्स के बारे में। इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाई द लीफ लाइक पार्ट कॉल्ड एज सेपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म द कैलेक्स। कैलेक्स मैंने आपको बताया किससे बनता है, जो छोटी वाली पत्तियाँ होती हैं फ्लावर की उससे बनता है कैलेक्स, जो ग्रीन कलर की होती हैं। और उन छोटी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, तो सेपल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेपल्स, ठीक है। तो ये जो सेपल्स हैं इनका काम क्या है, देखिए फ्लावर जो है, सबसे पहले फ्लावर जब ग्रो करता है तो वो एक बर्ड कंडीशन में होता है, ऐसा आपको बर्ड दिखेगा, है ना। और ये जब बर्ड बड़ा होता है थोड़ा सा, तो ये पेटल्स बाहर निकल जाते हैं, तो ये जो छोटे, ये जो बाहर के पेटल्स हैं ना, वो ग्रीन कलर के होते हैं, और यही आगे चल के सेपल्स फॉर्म करते हैं, और अंदर का पोर्शन जो है वो फॉर्म करता है पेटल्स। तो आपको याद क्या रखना है कि फ्लावर में जो ग्रीन कलर का छोटी छोटी लीव्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल्स। और वो सारे सेपल्स को मिला के क्या बनता है, कैलिक्स। फिर आते हैं कोरोला पर। दिस इज़ मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स। कोरोला जो है वो पेटल्स से बना होता है, और पेटल्स तो हर एक फ्लावर में अलग अलग होंगे। रोज़ के पेटल्स देखेंगे, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियाँ, रोज़ के पेटल्स देखेंगे तो रेड होते हैं, मोगरा के देखेंगे आप येलो होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पेटल्स जो हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, इसीलिए फ्लावर जो है वो कलरफुल होता है। तो फ्लावर कलरफुल क्यों होता है, इन्हीं पेटल्स की वजह से। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स। यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी दी गई है आपको, कि आपको अलग अलग फ्लावर्स लेने और उसके कोरोला की आपको स्मेल, शेप और कलर ऑब्जर्व करना है। तो ये सारे जो फ्लावर्स हैं उनके लिए अलग अलग होंगे। रोज में अलग होगा, क्रिस्थेमम में अलग होगा, ये फ्लावर्स के नेम है सारे। हिबिस्कस के फ्लावर में अलग होगा, मोगरा का अलग होगा, कन्हेर एंड तगार एक्सेट्रा, सभी का क्या होगा, अलग होगा। फिर देखते हैं एंड्रोइशियम। दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोइशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसमें स्टेमेंस आते हैं। एंड्रोइशियम किसको मिला के बनता है, स्टेमेंस को मिला के बनता है। ये है एक स्टेमेन, ये दूसरा स्टेमेन, ये तीसरा स्टेमेन, ये चौथा स्टेमेन। ऐसे फ्लावर में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेमेंस होते हैं। अगर आप हिबिस्कस का फ्लावर देखेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियरली ये दिख जाएगा, एंड्रोइशियम भी दिख जाएगा और गाइनोइशियम भी दिख जाएगा। तो ये जो एंड्रोइशियम है वो बहुत सारे ऐसे ही स्टेमेंस को मिलकर बना हुआ है, और जो स्टेमेंस हैं
हर एक स्टेमेन किससे मिलकर बना है? दो पार्ट से मिलकर बना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं एंथर, ठीक है, एंथर। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये पूरा डंडी जैसा, उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। उसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिर ये था एंड्रोइशियम। अब देखते हैं गाइनोइशियम। गाइनोइशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और गाइनोइशियम जो है वो कार्पेल से मिलकर बना है। कार्पेल यानी ये जो है, ये पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एक कार्पेल। अब फ्लावर में एक कार्पेल भी हो सकते हैं, बहुत सारे कार्पेल भी हो सकते हैं। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा है एक कार्पेल। और जो कार्पेल है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। जो मिडल वाला डंडी जैसा पार्ट है, स्टाइल से खड़ा है, जो उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। और जो नीचे वाला स्वलन गोला वाला गोल जैसा पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? ओवेरी। तो यहाँ पे गाइनोइशियम की हम बात कर रहे हैं। गाइनोइशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये किससे बना है? तो कार्पेल से। ये पूरे को हम कहते हैं कार्पेल। और कार्पेल किससे बना है? तो तीन पार्ट से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से। ठीक है, तो ये था गाइनोइशियम। अब यहाँ पे आपको फिर एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसल। बोथ सेक्शंस ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर। आपको बस एक ब्लेड लेना है और इसको ऐसे मिडल से काट देना है फ्लावर को, तो आपको क्या दिखेगा कि दोनों साइड का, इधर का भी और इधर का भी पोर्शन जो है वो सेम होगा, कार्पेल में भी और जो स्टेमेंस है हमारे उसमें भी। आफ्टर मैच्योरिटी एंड दस बर्स्ट एंड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो यहाँ पे पॉलिनेशन की डेफिनेशन दी हुई है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। अब पॉलिनेशन होता क्या है उसे समझते हैं। देखिए, हमने देखा कि जो एंड्रोइशियम है और जो गाइनोइशियम है, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके? प्लांट्स के। तो लेकिन ये रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, यहाँ पे हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक क्या है? कार्पेल है, ठीक है। कार्पेल किससे बना होता है? कार्पेल होता क्या है? तो कार्पेल मतलब क्या? हमारा गाइनोइशियम, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि एक फ्लावर का। अब गाइनोइशियम में कार्पेल्स आते हैं, तो ये हमारे एक कार्पेल है। कार्पेल जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। बीच वाले को स्टाइल और नीचे वाले को ओवरी। तो ये तो था एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम में कार्पेल। अब देखते हैं, सॉरी, ये था गाइनोइशियम और गाइनोइशियम में हमने पढ़ा कार्पेल। अब देखते हैं एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम किससे मिलकर बना है? तो स्टेमेन से। स्टेमेन में क्या होता है? ऊपर एक एंथर होता है और नीचे एक फिलामेंट होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? स्टेमेन। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, यानी कि फ्लावर जब अच्छे से बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई उसकी, उसके बाद ये जो एंथर है ऊपर वाले, ये बर्स्ट हो जाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल फूट जाते हैं। फूटने के बाद इसमें से छोटे छोटे कुछ ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। वो छोटे छोटे ऑर्गन्स जो है वो बाहर निकलते हैं इसके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उड़ के जाते हैं और बैठते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ पे मतलब स्टिग्मा पे। तो ये जो पोलन ग्रेन से, ये उड़ गए और बैठ गए कहाँ पे? स्टिग्मा पे। अब ये स्टिग्मा पे बैठने के बाद ये स्टाइल की मदद से पूरा अंदर अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये कहाँ पे जाएंगे? तो ये जो ओवेरी है ना, वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे। और ओवेरी में पहले से एक इंसान बैठा है, और वो कौन है? वो है फीमेल एग, एग बैठा हुआ है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है वो तो है हमारे मेल गैमेट, और जो एग है वो क्या है? हमारा फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट यहाँ से आया एंथर से उड़कर, फिर यहाँ तक अंदर पहुँच गया। एग जो है फीमेल गैमेट, वो यहाँ पे पहले से बैठा हुआ था। तो ये दोनों जो है आपस में मिल गए और ऐसे बन गया एक सीड। क्या बन गया? एक सीड, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? तो ये जो हमारा नीचे ओवेरी था, वहाँ पे क्या बन गया है? अब सीड बन गया है। अब फ्लावर जब बड़ा हो गया है, तो ये सब हो गया इसमें, तो फाइनली क्या होगा? फ्लावर के जो पत्ते हैं वो सूख जाएंगे, और फ्लावर ही आगे चलकर उसके पत्ते गिर जाएंगे, और ये जो ओवेरी है वो बन जाएगा एक फ्रूट।
क्या बन जाएगा, एक फ्रूट बन जाएगा। मतलब फ्लावर से ही आगे चल के फ्रूट बन जाता है और उस फ्रूट को हम तोड़ के खा लेते हैं। अब वो फ्रूट हम तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन उसके सीड्स का हम क्या करते हैं, सीड्स तो अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, तो सीड्स को या तो हम फेंक देते हैं या फिर हम उसको फिर से ज़मीन में लगा देते हैं ताकि उससे न्यू प्लांट जो है वो बन जाए। तो ऐसे न्यू प्लांट यहाँ पे बन जाता है सीड की मदद से, तो ऐसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन चलता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, प्लांट्स में कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, फ्लावर। फ्लावर इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लावर। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है कि ऑफ वॉट यूज टू अ प्लांट आर द इंसेक्ट्स फ्लिटिंग अबाउट अराउंड इट्स फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के आसपास आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स घूमते रहते हैं। तो इसका क्या यूज़ है, फ्लावर्स को इसका क्या यूज़ है। हमने अभी अभी देखा कि जो स्टेमन है वहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा कार्पेल है, कार्पेल का जो हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा, वहाँ पे जाते हैं ये पोलन ग्रेन्स और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ तक जाते कैसे, तो ये हवा से उड़कर भी जा सकते हैं या फिर इंसेक्ट्स की मदद से भी जा सकते हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इस पर आकर बैठते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके पैर पर चिपक जाते हैं, फिर इंसेक्ट्स उड़ के यहाँ पर आके बैठते हैं, तो फिर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके पैर से निकल कर फिर यहाँ पे स्टिग्मा में जाकर अटैच हो जाते हैं और उसी की मदद से फिर यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा इंसेक्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने में। तो यही काम है इंसेक्ट्स का कि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्लावर कम्प्लीट होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे